और सबसे पहले बात करेंगे बेटियां बनी विश्व चैंपियन। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। शेफाली वर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम आईसीसी अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप की पहली चैंपियन बनी है और भारतीय टीम के लिए ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि उसने पहली बार विश्व कप खिताब जीता है। इससे पहले सीनियर भारतीय महिला टीम टी20 और 50 ओवर वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंची लेकिन खिताब जीतने में नाकाम रही और इस लिहाज से भारतीय जूनियर्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को हराया है और भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। इंग्लैंड की टीम 68 रन पर हुई थी ऑल आउट और भारतीय महिला टीम को मिला था 69 रन का लक्ष्य। 69 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को शेफाली वर्मा ने और श्वेता सहरावत ने तेज शुरुआत दिलाई और बेकर ने वर्मा को मिड ऑन पर स्टोन हाउस के हाथों कैच आउट कराकर भारत को पहला झटका दिया। इसके बाद श्वेता सहरावत स्क्रीवंस की गेंद पर खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गवा बैठी और शॉट फाइन लेग पर बेकर ने सहरावत का आसान कैच लपका। सौम्या तिवारी और गोनगाड़ी त्रिशा ने तीसरे विकेट के लिए 46 रन की साझेदारी करके भारत को जीत के करीब पहुंचाया और तिवारी ने विजयी रन जमाकर भारत को चैंपियन बनाया। और अभी चार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया है। देखिए 1983 पहली बार विश्व विजेता, उसके बाद 2007 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। धोनी ने टी20 ट्रॉफी जिताई और दूसरी बार वनडे वर्ल्ड कप 2011 में और 2023 में अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप जीता गया। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर अंडर 19 महिला टीम को बधाई दी है और अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप जीत पर उन्होंने बधाई दी है। देश की बेटियों ने आज ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, पूरी टीम को हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने पूरी टीम को जीत की बधाई दी है। टीम की अटूट लगन कड़ी मेहनत की वजह से ऐतिहासिक उपलब्धि, देश दुनिया की प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा।